इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने आईफोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है तो इंटरनेट की कनेक्शन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस करेंगे हम अपने आईफोन के अंदर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा अपने आईफोन की। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको एरोप्लेन मोड को लगा देना है एक दफ़े और बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल डेटा पर जाना है। मोबाइल डेटा पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक दफ़ा मोबाइल डेटा को भी बंद कर देना है और चालू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर वॉइस एंड डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको LTE लगाना है, अगर 3G लगा होता है तो उसे LTE पर कर देना है। उसके बाद बैक लाइए और यहाँ पर जाइए नेटवर्क सिलेक्शन पर और यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक पर पहले इसको क्लिक करना है। देन अगर ये बंद हो जाता है तो उसको चालू कर दीजिए। उसके बाद बैक आइए और यहाँ पर आपको नेटवर्क डेटा नेटवर्क मिलता है, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नीचे जाना है सबसे पहले और रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर रीसेट कर देना है और उसके बाद बैक लाना है। बैक लाने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद करना है और खोलना है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इसमें एक शर्त है कि यहाँ पर अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से ही बहुत बुरी आ रही होगी, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली है। अगर अंदर आपके मोबाइल से मैनुअली होती तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम बाहर से नेटवर्क में आ रही होगी तो सॉल्व नहीं होगी। तो ये प्रोसेस है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।